हेल्दी ईटिंग एक लाइफस्टाइल है, और जब आप ये लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हैं तो ये महीना, दो महीने, तीन महीने के इंटरवल पर नहीं देखना, हमने इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स के इंटरवल पे हमने ऐड करना है अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को. तो यस, वाइल वी आर ईटिंग क्लीन, तो क्रेविंग्स हम सबकी हैं, हम सबको क्रेविंग्स होती हैं. सो चीट मील के ऊपर हमें बहुत क्वेश्चन आता है कि चीट मील कब और कितना किया जा सकता है. सो देयर इज़ दिस रूल, 80-20 रूल, और उसका मैकेनिज्म ये है कि 80% ऑफ द टाइम्स हम कोशिश करें कि हम हेल्दी क्लीन फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एंड 20% ऑफ द टाइम्स हम कोई भी चीट मील अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अगर आप 2 वीक्स ऑफ हेल्दी क्लीन ईटिंग पे हैं, तो 2 वीक्स के बाद आप एक दिन चीट मील ऐड कर सकते हैं. वो एक चीट मील होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है. वो पूरा दिन, हर मील, हर एक दिन का हर मील चीट मील नहीं करना है. इससे आप क्या करेंगे कि जो आपने एक वीक में या 2 वीक्स में जो भी आपने हेल्दी हैबिट्स बिल्ड किए हैं वो आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो भी आपने रिजल्ट्स 2 वीक्स में इंट्रोड्यूस किए अपने लाइफ में वो सब जो हैं डिलीट हो जाएंगे. सो प्लीज़ डोंट डू दैट वाइल डूइंग अ चीट मील. वो एक चीट मील होगा, और जैसे ही आप चीट मील करें, अक्सर लोग क्या करते हैं, फिर बाकी और खाना अपना जो है हेल्दी फूड है वो उसको कंज्यूम करना छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना है. चीट मील के बाद कम बैक टू द ओरिजिनल क्लीन ईटिंग ऑफ इट. 80% ऑफ द टाइम्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी, एंड 20% ऑफ द टाइम्स यू कैन डू सम चीट्स हेयर एंड देयर. राइट टू अस इन द कॉमेंट्स, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर द गुड वर्ड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.